Kusum. Yeah. Hi, Mac. Hi, Joyti. Did I disturb you? No, not at all. आप कॉस्ट्यूम चेंज कर लीजिए, ठीक है? वेयर द अदर कॉस्ट्यूम? सेशन चल रहा था. कैसे हो तुम? बढ़िया. विशु कैसा है? ठीक है. मैक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी. बोलो ज्योति. दरअसल बात ये है ना मैक, कि बैंक इंस्टॉलमेंट की पेमेंट मैंने अपनी एड की पेमेंट से की है और अभी बस रॉ मटेरियल के एडवांसेस के लिए पैसों की जरूरत है. पता नहीं कहाँ से पैसों का इंतजाम होगा. और मैंने सुना है कि तुमने 3-4 एड्स के लिए मना भी कर दिया है. अगर ऐसी हालत है तो फिर तुमने मना क्यों किया? नहीं मैक, वो मैं ऐसे वैसे कोई ऐड नहीं करना चाहती जिससे जिससे विशु को ऑब्जेक्शन हो. वो जींस की ऐड की थी ना मैंने, उसकी वजह से वो मुझसे बहुत नाराज है. तुम कहो तो मैं विशु से बात करूं? नॉट एट ऑल. एक्सीडेंट के बाद तो वो बहुत अनप्रेडिक्टेबली बिहेव करने लगे हैं. मैं खुद उनसे कोई भी सेंसिटिव मैटर पे बात करने के लिए डिस्कस करने के लिए कतराती हूँ. इनफैक्ट जो कहते हैं मान लेती हूँ बट बहस नहीं करती उनसे. मेरी गौतम से बात हुई थी, वो कह रहा था कि उसके पास किसी होम अप्लायंस प्रोडक्ट की ऐड का ऑफर है, 5 ऐड्स का कैंपेन है. अगर वो तुम्हें एज अ फीमेल मॉडल रिकमेंड करते तो बात बन सकती है. अगर तुम कहो तो उससे चल के बात करते हैं. इस शूटिंग ऑन द सेकंड फ्लोर. ठीक है, चलते हैं. चलो चलो. कैन आई हेल्प यू सर? मुझे कुछ सॉफ्ट लेदर में दिखाओ जो पहनने में तकलीफ हो. श्योर सर. उनमें से दिखाओ. हाँ सर, आइए. ब्लैक कलर सर? हाँ ब्लैक. बहुत अच्छी क्वालिटी सर. हेवी है सर, लाइट. बताइए मैडम, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं? मुझे कुछ सोबर प्लेन और स्लिप ऑन टाइप का कुछ चाहिए. सोबर प्लेन स्लिप ऑन टाइप. हाँ ये ना जी, ये लीजिए. ऐसे सैंडल तो लड़कियाँ कॉलेज जाने के टाइम पहनती है. तो मैडम आप किसी कॉलेज की लड़की से कम है क्या? पूरे 40 साल की हो गई हूँ मैं. 40? 40 साल की हैं आप? जी. जहाँ तक मेरा अंदाजा आप ज्यादा से ज्यादा 25 नहीं ज्यादा से ज्यादा 26 की दिखती हैं. अच्छा आपको स्लिप ऑन चाहिए राइट? अरे इस्माइल भाई, 240 का 10 नंबर फेंको. जी भेजता हूँ. ये आ गया. नहीं नहीं ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि यही है तो इसे ही ट्राई करके देखते हैं. अगर कंफर्टेबल लगेगा तो यही ले लूंगी. ठीक है एक मिनट. अरे यूसुफ भाई, वो 7 नंबर, 7 नंबर. ये रहा रेड डी. ठीक है जरा चलकर देखती हूँ. अगर कंफर्टेबल लगेगा ना तो ले ही लूंगी, समझे? यही तो मैं कहने वाला था मैडम. मैडम आप तो एक मॉडल, रैंप मॉडल से भी ज्यादा ग्रेसफुली वॉक कर रही हैं. ठीक है, एक ये सैंडल और एक विदाउट हील वाला सैंडल दोनों पैक करवा दीजिए. ओके मैडम. अरे ब्राउन का 7, ब्लैक का 7 पैक. नहीं वो वाला भी नहीं जम रहा है. तो प्लीज अगर मैडम को अटेंड कीजिए. मैं सर को. सर गुड आफ्टरनून. सर आफ्टरनून सर. ज्यादा मेरा ख्याल है, मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए सर. जी ये चाहिए सर आपको. मुझे ब्लैक में चाहिए था. सर आप ये वाला पहन के तो देखिए, यू विल फॉल इन लव विद इट सर. सर कैन आई? दिस इज एन इटालियन शू फॉर एन इटालियन लुकिंग मैन लाइक यू सर. नाम क्या है तुम्हारा? अनिल नागपाल. आई एम क्वाइट इंप्रेस्ड. इसे कहते हैं सेल्समैनशिप. तुम्हें एग्जैक्टली पता है तुम्हारे कस्टमर को क्या चाहिए. आई बाय दिस. It's really wonderful. क्या नाम बताया तुमने अपना? अनिल नागपाल सर. अनिल, अगर किसी दिन तुम इस नौकरी से उब गए या फिर और पैसे कमाने की चाह है तो मुझसे आके मिलना. Definitely sir. All the best. Thank you sir. Thank you very much. चले नाम. एंड तुम्हें इसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है ज्योति. ओके जस्ट रिलैक्स. मैं सिर्फ तुम्हारा नाम रिकमेंड करने वाला हूँ एंड आई विल इंसिस्ट दैट ये एड फिल्म मैं तुम्हारे साथ करूँगा. उनके पास कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं. ओके और तुम्हारे बिहाफ पर पेमेंट की निगोशिएशन मैं करने वाला हूँ. सो डोंट वरी, आई विल मेक श्योर यू गेट अ वेरी हेफ्टी एडवांस. थैंक्स गॉड. माय प्लेजर. देखो एड बिल्कुल डिसेंट है, बिल्कुल तुम्हारे टाइप की. मैं चाहता हूँ कि तुम रात को मेरे घर पर आओ. रिलैक्स, मैंने सिर्फ प्रोड्यूसर को बुलाया है
और वहां पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे और आपका एडवांस चेक आपके हाथ में। थैंक्स अ लॉट। चलें? चलो। थैंक यू गौतम। बाय। सी यू। बाय गौतम। बाय गौतम। सी यू। हाय। हाय। बिल्कुल सही वक्त पे आई हो। सच है लंच विद अस। नहीं, मैं आपसे कॉस्मेटिक्स की बातें करने आई। हाँ, लेकिन थोड़ी देर बैठो ना, तुम्हारे लिए प्लेट मंगवाती हूँ। ओके। ईशा, मीटिंग की बातें बाद में कर सकती हो। तुम खाना खा लो ना। एक काम करो, तुम मेरी प्लेट से खा लो। छूटा नहीं है, डोंट वरी। नहीं, तुम खाओ, मैं वेट करती हूँ ना। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं अभय की प्लेट से शेयर कर लूंगी। क्यों अभय? अरे कपिल भाई साहब नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? कपिल बहुत बिजी है, हमारे साथ खाने का वक्त नहीं उसके पास। हाँ, आजकल मुझसे ज्यादा ध्यान वो काम पे देते हैं। Anyway, he's dieting, so we don't need to wait for him. We can start. Imagine, a slim, trim Kapil. अबे, ये मैसेज पढ़ना। You're not supposed to show it around. Why not? It was only meant for you. Oh God. Isha, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? मिर्ची। बहुत ही तेज मिर्ची थी। You okay? Thanks. Raise a toast to this wonderful location. क्या कहते हैं? Thanks. पर अभी हमें कहीं जाना है. फिर कभी से. चलो कोई बात नहीं. Thanks. Just excuse me for a moment. Yeah. This one's for you. No thanks, Gautam. मैं नहीं पीती. ठीक है. For your success. Gautam, you're great, yeah. आज मुझे पता चला कि आप एक सुपर मॉडल हैं, नहीं सुपर ह्यूमन बीइंग भी हो। आज आपकी वजह से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पता है ज्योति, इंसान जैसा सेल्फिश क्रीचर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। हर चीज के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में कुछ पाने की तमन्ना हम भी रखते हैं। It's a simple equation. Give and take. एक हाथ ले, एक हाथ दे। तुम्हारे हस्बैंड विशाल को देखने के बाद आई फील सॉरी फॉर हिम, बट आई फील मोर सॉरी फॉर यू। उसका होना ना होना बिल्कुल एक जैसा है तुम्हारे लिए। ही इज नो वर्थ वेस्टिंग योर लाइफ आफ्टर। तुम अपनी जिंदगी उसके पीछे क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम अपनी करियर को देखो। आई एम यंग, सक्सेसफुल, हैंडसम एंड रिच, लेकिन फिर भी तुम अगर अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। Enough is enough, Gautam. तुम अपने आप को समझते क्या हो? Gautam, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? मानती हूँ मैं कि मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन इतनी भी जरूरत नहीं है कि मैं अपने आप को बेच डालू। ये इसके ऊपर गुमान कर रहे थे तुम, इसके ऊपर कर रहे थे ना, रखो अपने पास। मिल गया तुम्हें अपने इनडिसेंट प्रपोजल का डिसेंट जवाब। गुड बाय गौतम। तो आप टेम्पेशंस रेजिस्ट नहीं कर पाए हैं, आपको
ज्यादा पैसे और एक अच्छी नौकरी की तलाश है। सर, जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं, अच्छा पैसा और अच्छी नौकरी, उसकी जरूरत किसको नहीं है सर, सभी को तो है। और वैसे भी मैं ये सब डिजर्व करता हूँ सर। आप तो मुझे शू शॉप में मिले थे और वहां में एक सेल्समैन था। सर, इसके लिए मैं एक्चुअली बहुत ओवर क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सर्वाइवल हो जाता सर, दाल रोटी पक्की हो जाती। और जो भगवान की कृपा से मेरे अंदर टैलेंट्स हैं, उस शू शॉप में एक सेल्समैन बनकर उन टैलेंट्स को कोई दिशा नहीं मिल रही है सर। नई बात मेरी क्वालिफिकेशन की सर, मैंने अपना बी फार्मा किया, आई एम अ ग्रेजुएट साइंस फर्स्ट क्लास सर, और मैंने मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी किया है सर। ये फाइल जो आपके आगे पड़ी है उसमें सब मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, यू कैन हैव अ लुक सर प्लीज। अनिल, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया है, मुझे तुम्हारे फाइल की जरूरत नहीं। तुम अपनी नौकरी पक्की समझो, आज से तुम मेरी फर्म में असिस्टेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पे पोस्ट पर रहोगे। एंड योर ग्रॉस सैलरी वुड बी 6,000 rupees PM प्रति महीने। थैंक यू सर। अनिल, तुम मेरे पास से ही इससे 3 गुनी ज्यादा रकम कमा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारा जॉब प्रोफाइल बदल जाएगा। चल, इंटरेस्टेड? सर, ऐसा ऑफर कोई बेवकूफ ही ठुकराएगा, और मैं बेवकूफ नहीं हूं सर, आई अश्योर यू ऑफ दैट। आई नो दैट। अनिल, ये रहा तुम्हारा मिशन। सर, वाओ, ब्यूटीफुल, पढ़ी है पठानी सर। शट अप। ये मेरी बीवी है, जबान संभाल कर बात करो। आई एम सॉरी सर। सर, फोटो आपकी बीवी, आप मुझे मेरे, मैं अभी तक काम नहीं समझा सर। मैं समझाता हूँ अनिल, अभी तो तुम्हारा काम बहुत ही आसान है, इट्स नॉट वेरी डिमांडिंग। फिलहाल तुम्हें मेरी वाइफ ज्योति के साथ थोड़ी दोस्ती बढ़ानी होगी, एक नजर रखनी होगी। हाँ, शायद फ्यूचर में तुम्हारा काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, तो अनिल आज से तुम्हारी नौकरी पक्की, और तुम आज से अनिल नागपाल नहीं, तुम हो गए वो अक्षय। You're the boss, sir. आप जो मैं, अक्षय तो अक्षय। I think you're on the list. Commission is also. पिछली बार तुमने ये साबित कर दिया था कि कुसुम ऑस्ट्रेलिया वरुण एक्सपोर्ट्स की वजह से नहीं गई, और इस छूट के लिए तुम्हें पैसे मिले थे, लेकिन अब तुम्हें सच बोलने के पैसे मिलेंगे, और वो भी दुगने। तुम्हें सारी बातें कुसुम को जाकर सच सच बतानी है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इस काम के लिए मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ। अरे वो सब मैं संभाल लूंगा मैडम, पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर कपूर फैमिली के आस पास मुझे फटका तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। तुम्हें ये बात कपूर फैमिली से नहीं, कुसुम से कहनी है, और वो भी ऑफिस के बाहर। पर वो भी तो कपूर फैमिली से ही है ना, इनफैक्ट वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकी थी, तो सबसे ज्यादा खुंटक में तो वही होंगी। नहीं, कुसुम कुछ नहीं कहेगी, मैं उसे जानती हूँ। इस बात को कहने का बहाना तुम्हें ढूंढना है। ओके, गुड। सुधीर की टिकट 25 तारीख के कंफर्म्ड हो गई है, और हमारी शादी 29 को फिक्स्ड है, लेकिन उसे 3 दिन पहले सुधीर और मैं कोर्ट में मैरिज कर लेंगे। सारा बंदोबस्त हो चुका है। यहाँ सुधीर और तुम्हारी शादी हो जाएगी, और याशा तुम्हारी टूट जाएगी। But I just hope कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो। वैसे तुम गोवा कब जा रही हो? आज शाम को चली जाऊंगी, पर मैं 26 मॉर्निंग तक वापस जरूर आ जाऊंगी। कम ऑन सुजैन, तुम्हें आना पड़ेगा। आफ्टर ऑल कोर्ट मैरिज में 2 विटनेसेस की जरूरत है, और उनमें से एक तुम्हें बनना ही पड़ेगा। यश, वैसे मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना लगे हाथ हम दोनों भी शादी कर ले। अब ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस सोच ही रही थी। वैसे मेरी शादी की जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। हेलो, अगर नहीं आई है तो आ जाएंगी ना, वेट क्यों नहीं करते वहां खड़े होकर? किस बात के पैसे दिए जा रहे हैं तुम्हें? स्टूपिड। कुसुम जी, कुसुम जी, प्लीज एक मिनट, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत।
अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, तुम्हें ढूंढ रहा था मैं। तुम्हारा मुझे भी काम है, कुछ जरूरी बातें करनी है। पहले मुझे ये बताइए कि वरुण एक्सपोर्ट्स ने आपको कितने पैसे दिए? कितने पैसों में तुम बिके? अरे बताओ ना, प्लीज प्लीज बताओ मुझे, कितने पैसों में तुम बिके? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दे, लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को मत बुलाइए, मेरी बात कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, और आप मुझे माफ कर दीजिए ना। तुम समझाइए ना इनको, पहले तो माफ नहीं था बाल बच्चे का। चाचू प्लीज, चाचू छोड़िए ना चाचू, जाने दीजिए, गरीब है बेचारा, उसे जरूर पैसों की सख्त जरूरत होगी, मजबूरी में किया होगा उसने ये काम। लेकिन चाचू मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो मुझसे क्या बात करना चाहता था। अनिल, हो सकता है तुमसे टिकट के पैसे चाहिए। अभय के टिकट के पैसे भी आज तक उसे दिए नहीं है, हमसे तो मांगने की हिम्मत नहीं है उसकी। तो उसने सोचा होगा कि तुम्हें मिलकर ले लेगा, अगर आज मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो शायद वो पैसे तुम उसे दे देती। अब छोड़िए ना चाचू, जाने भी थी, हमारा कोलैबोरेशन तो सक्सेसफुल रहा ना। अब चलिए गाड़ी में बैठिए, अब चलते हैं। सचमुच बहुत सीधी सादी है कुसुम जी, और साथ साथ भोली भाली भी, फिर आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है? मेरे पैसे वापस। अरे अरे, आप तो नाराज हो गई। मैंने ये आपसे कब कहा कि मैं आप पर काम नहीं करूंगा? कहा क्या? नहीं ना, बस एक छोटी सी दुविधा है, वो ये कि कुसुम जी से मैं मुलाकात करूं तो कहां करूं। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुसुम तुम्हें खुद जगह बता दे, फोन करो उसे। अच्छा, अपने फोन से करो। ओह श्योर श्योर, नंबर क्या है उनका? हेलो जी, मैं रमा खान बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जो जरूरी बात मुझे आपसे करनी थी वो तो अधूरी रह गई, लेकिन करनी जरूरी है, इसके लिए आपसे मिलना बहुत जरूरी है। आप मुझसे अभी बात कर सकते हैं फोन पर? नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप कैसे भी करके मुझे मिल लीजिए, ऐसी बातें फोन पर नहीं बताई जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। रमाकांत को मुझसे क्या काम होगा? हाँ, हो सकता है उसको पैसे की जरूरत हो। ठीक है, कल सुबह जब मैं मंदिर जाऊंगी तब कपूर हाउस के बाहर वाले सिग्नल पे आप मुझे मिलना, ठीक 8 बजे। ओके कुसुम जी, थैंक यू।